आपको कल बड़ी लिखना सिखाया था, आज मैं आपको शुरू से जो लिखाई हूँ उसी को रिविजन कराऊंगी और आप भी उसी को रिविजन करते हुए लिख के भेजेंगे। तो आपको मैंने क्या पहले पहले लिखाया था, पहले आपको लिखवाया। तो आप क्या करेंगे, आप भी अपने हिंदी की कॉपी में एक पेज में आप क्या करेंगे, एच डब्ल्यू डालेंगे। एच डब्ल्यू डाल के आप पहले अ लिखिएगा, फिर आ लिखिएगा, फिर छोटी लिखिएगा, उसके बाद आप बड़ी लिखिएगा। पूरे एक पेज में अपने पेरेंट्स से लाइन खिंचवा लीजिएगा अच्छे से और बोलते हुए आप अ आ ई इन इसको आप लिखिएगा। तो आप इसको लिखेंगे जब आपको याद हो जाएगा आप कैसे लिखते हैं, आप कैसे लिखते हैं। तो एक बार और आपको मैं रिविजन करा दे रही हूँ। आप अ से क्या क्या पढ़े थे, अ से आपके बुक में क्या दिया है, अ से आपके बुक में अनार, अदरक और अजगर दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपका आ से क्या दिया हुआ है, आ से आपका आम, आलू और आग दिया हुआ है, आप भी इसको याद कर लीजिएगा। फिर आपका छोटी से क्या दिया हुआ है, छोटी से आपका इमली, इलायची और इमारत दिया हुआ है, और बड़ी से आपके बुक में क्या दिया है, बड़ी से आपके बुक में दिया है ईद, ईद और ईद। आप इसको बुक में पिक्चर देखते हुए पढ़ भी लीजिएगा और हिंदी की कॉपी में डेट डालिएगा, होमवर्क लिख के एच डब्ल्यू लिखिएगा और पूरे एक पेज में अ आ ई ई इन चारों को आप लिखिएगा, सुंदर सुंदर लिख के इसका पिक्चर खींच के व्हाट्सएप में भेजिएगा। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा।